उपमंडल सुजानपुर की पंचायत करोट में रविवार को विधायक राजेंद्र राणा के कार्यक्रम में उसी पंचायत के कुछ शरारती तत्वों ने खलल डालते हुए माहौल खराब कर दिया, जिसके चलते पंचायत में रखा गया उद्घाटन समारोह रद्द करना पड़ा। जानकारी के अनुसार करोट पंचायत के मुथान गांव में ग्रामीणों ने पंचायत में बनाए गए एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन विधायक राजेंद्र राणा से करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन उद्घाटन होने के ठीक 12 घंटे पहले शनिवार मध्य रात्रि को उसी पंचायत के कुछ शरारती तत्वों ने उद्घाटन स्थल पर तोड़फोड़ कर दी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सुजानपुर पुलिस ने देर रात ही पंचायत में पहुंचकर मोर्चा संभाला, पर जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक वे लोग वहां से भाग चुके थे। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उन सभी लोगों को पहचाना गया और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। करोट पंचायत के नवड़ी गांव में जहां एक उद्घाटन लोगों ने गांव के लोगों ने नवड़ी गांव के मथान में जो उद्घाटन करवा रहे थे और इसमें कुछ शरारती तत्व करोट पंचायत के 7 लोग जैसे कि लोगों ने बताया आए, उन्होंने मारपीट करी और वहाँ जो लोग थे उनको भी धमकियाँ दी और MLA के नाम पर भी उन्होंने धमकी दी कि उनको भी देखेंगे। तो लोगों में भारी रोष है और आज SDM सुजैतपुर जो वहाँ गए थे और उन्होंने उसको नेम प्लेट को उतार कर उसको भी ले गए हैं और गांव के लोगों में भी भारी रोष है। लोगों का कहना है कि हमने अपने पैसे से जो है वो नेम प्लेट बनाई थी, उनको कोई उसमें कोई डिस्प्यूट था तो उसको वो कवर कर देते, ढक देते, जब फैसला होता दिखा जाता। और मैंने जैसे मुझे सवेरे पता लगा कि ये जो इसमें कोई डिस्प्यूट है तो मैंने मना कर दिया था कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, डिस्प्यूट रहेगा तब तक हम उद्घाटन नहीं करेंगे। और मैं वहां जाके भी आया हूं और लोगों ने डिमांड रखी वहां के कि हमें एडिशनल अमाउंट चाहिए इसके लिए, टॉयलेट और बाथरूम बनाना, उसके लिए मैं 1 लाख रुपए की घोषणा करके आया हूं। तो लोगों में भारी रोष है और लोगों ने, गांव के लोगों ने कंप्लेन करी है पुलिस स्टेशन में कि भाई इसके लिए SDM जो है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए कि उन्होंने कैसे वो प्लेट को उतार दिया। और दूसरा तो जो जिन लोगों ने मारपीट करी, धमकियां दी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कार्रवाई क्षेत्र में ना हो और ऐसे लोगों पर लगाम लगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।